नमस्कार दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए अगर आपने भी 2023 में मैट्रिक पास किया हुआ है तो आपके मन में जो ये सवाल है कि आखिर मैट्रिक पास जो स्कॉलरशिप मिलता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक में जो है लड़का लड़की दोनों को जो है यहाँ पर इस्कॉलरशिप दी जाती है मतलब कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है तो इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए चूंकि आपको जो है फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का कोई गलती ना हो उस समय आपको सोचना ना पड़े तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में गाइड करेंगे सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना है क्योंकि फॉर्म फिल करने में इस डॉक्यूमेंट्स का जो है हर हालत में जानकारी आपको देनी है तो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आखिर इसका फॉर्म कब तक फिल हो सकता है और साथ ही साथ कौन कौन से दस्तावेज आपको बनवा कर रखने हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक पास में क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों को जो है स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है यानी कि प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाता है लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है इसमें फर्स्ट सेकेंड पे ही पैसे मिलते हैं अगर आप थर्ड से पास किए हुए हैं लड़का है या फिर लड़की है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा तो सबसे पहले हम फर्स्ट में बात कर लेते हैं कि जो भी मैट्रिक में फर्स्ट करते हैं वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो और किसी भी वर्ग से क्यों ना हो उसको जो है दस रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है लेकिन सेकेंड डिवीजन में केवल जो ए सी के छात्र छात्राएँ होते हैं लड़का या फिर लड़की होती है उनको ही केवल आठ हज़ार रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाती है बाकी किसी को यहाँ पे पैसे नहीं मिलते हैं मैट्रिक पास में जो मेधा सब पोर्टल के माध्यम से फॉर्म फिल किया जाता है वही आप इंटर में देखेंगे तो इंटर में केवल लड़कियों को मिलता है लड़की चाहे किसी भी वर्ग से हो किसी भी डिवीज़न से क्यों ना पास किया हो उसको जो है पच्चीस हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाती है जिसके लिए फॉर्म यहाँ पे 2023 के लिए स्टार्ट कर दिया गया है अगर आप, आपने भी अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉर्म को फिल कर लीजिएगा क्योंकि आपको भी पैसे मिलेंगे हालाँकि काफ़ी सारे लड़कियों को पैसे यहाँ पर मिल भी गए हैं उस पर मेरा प्रॉपर वीडियो है नहीं देखें आई बटन में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेकआउट कर लीजिएगा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक में अगर आप फर्स्ट किए हैं या फिर ए सी से हैं सेकेंड डिवीजन से हैं तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रखना है तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड उस डॉक्यूमेंट्स का अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे कि आपका जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है ठीक है जो भी नाम है वो जो है आधार कार्ड पे सेम टू सेम होना चाहिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा मार्कशीट पे कुछ अलग है और डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे कुछ अलग है या फिर नाम कुछ अलग है तो इसको ज़रूर जरूर आप मार्कशीट के हिसाब से अपने आधार कार्ड को करेक्शन करवा लें आधार सेंटर पर जाकर ठीक है डेट ऑफ बर्थ को और साथ ही साथ यहाँ पर नाम को अगर नाम में भी मिस्टेक है लेकिन दोनों सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आधार कार्ड के बाद उस आधार कार्ड से एक खाता खुलवा लेंगे आप ठीक है पेन कार्ड आधार कार्ड लाकर जो है आप खाता खुलवा सकते हैं खाता भी उसी नाम से होना चाहिए जो नाम आपकी मार्कशीट पे है तो पहला आधार कार्ड उसके बाद खाता उसी खाते में जो है पैसा आपका जाने वाला है उसके बाद एक जो है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट तो लगता नहीं है बट बनवा लीजिएगा कभी इसका भविष्य में काम लगता रहता है मतलब लगेगा नहीं लेकिन इसको बनवा लीजिएगा मैं अपने जस्ट तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि इंटर में एडमिशन लेना है या फिर और भी बहुत सारी जगह जो है आपको ये देना पड़ता है ठीक है उसके बाद एक जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा इस बात को ध्यान रखिएगा उसके बाद एक इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा जो कि डेढ़ लाख से कम होना चाहिए जनरली नब्बे हज़ार पंचानबे लोग बनवाते हैं तो आप जो है इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपको आधार कार्ड खाता खुलवा लेना है खाता नहीं है तो खाता तो आपके पास होगा मैं जानता हूँ लेकिन नहीं होगा तो खुलवा लीजिएगा उसके बाद आय जाति निवास भी आपको बनवाना है निवास नहीं लगेगा लेकिन उसको भी आपको बनवा लेना है इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह वगैरह है वो तो लगेगा ही लगेगा और टेंथ का जो मार्कशीट है ना टेंथ का जो मार्कशीट है उसको भी आपको अपलोड करना होगा फॉर्म को फिल करते समय ठीक है और आधार कार्ड को भी अपलोड करना होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार रखने हैं और एक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वैसे तो ईमेल आईडी आपके घर में किसी ना किसी का होगा या फिर मोबाइल नंबर तो होगा ही उसको भी आप डाल सकते हैं या फिर खुद का है तो भी आप डाल सकते हैं तो अभी जो है इसका जो फॉर्म है स्टार्ट नहीं हुआ है अब पोर्टल पे जाएंगे तो केवल जो है इंटर पास जो लड़कियां हैं जिनको पच्चीस हजार रुपये की सहायता राशि यानी कि पोस्ताह राशि दी जाती है उसके लिए जो है फॉर्म फिल हो रहा है लेकिन मैट्रिक का जो है कोई आता पता नहीं है इससे पहले एक अपडेट आया हुआ था जिसमें कहा गया था कि बहुत ही जल्द इसके लिए जो है आवेदन यहाँ पर शुरू किए जाएंगे ठीक है क्योंकि इसके लिए जो है जो भी पैसे की स्वकृति है उसको दिया जा रहा है तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस महीने के लास्ट तक तो आई थिंक शुरू होने के कोई चांस मुझे नहीं लग रहा है लेकिन हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि इसका जो है अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाए लेकिन कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है जस्ट अपने अनुभव के आधार पर ही बताया जा रहा है तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता दी है कि मैट्रिक में किनको पैसे मिलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और कब से कब तक फॉर्म फिल हो सकता है एक्सपेक्टेड डेट मैंने मतलब एक्सपेक्टेड जो जानकारी है मैंने आपको दिया हुआ है तो प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लें अगर आपको भी दस हज़ार या फिर आठ हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि चाहिए तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट कमें करके पूछ सकते हैं